बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज रास और आज की वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में हैं। तो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का हमारे पास जो पेपर है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जी हाँ, जिसे कहते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं? व्यावसायिक अर्थशास्त्र के नाम से पेपर जाना जाता है। और आज हम बात करेंगे 2022 में आने वाले प्रश्नों के बारे में। आप इन प्रश्नों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा संघर्ष करना होगा और आप संघर्ष करके टॉपर के लिस्ट में भी आ सकते हैं। यदि आप टॉपर के लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपको 95% प्लस उम्मीद रखनी होगी, क्योंकि आपसे भी बड़े खिलाड़ी आपके सामने और आपके साथ और आपके साथ आपके शहर आपके राज्य में है, क्योंकि वो आपको टॉपर आने में संघर्ष कराने में पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए आपको संघर्ष करना है और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है। और आप ऐसे पढ़ेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप उस संघर्ष को भी पीछे छोड़ दोगे जो आपने कभी सोचा नहीं था। तो आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है पेपर हैकर को, और मैं आपको जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही क्वेश्चन को तैयार करके आप 85% प्लस बड़े आराम से लाएंगे, बिल्कुल आराम से। तो आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर कर देना है। हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के बिजनेस इकोनॉमिक्स के व्यावसायिक अर्थशास्त्र, इसका पेपर का नाम हो जाता है। तो आप अपने बुक नोट्स को ओपन करिए और उस पर टिक लगा लीजिए। यदि आप टिक नहीं लगाना चाहते तो आप हमारे नोट्सों को, इसके जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इनके आंसरों को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे पेपर हैकर डॉट इन वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साइट में एक एरो टाइप का बटन आता होगा, उस पर टच करिए, लिंक खुल जाएगा। ठीक है, लिंक खुलकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहां आप देख सकते हैं, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। एक ही लिंक होगा पेपर हैकर डॉट इन का, उस पर जाकर आप आसानी से कर सकते हैं। फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो आप वहां मुझे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ बात करने वाले हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र के बारे में। जी हाँ, व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है? पहली बात तो हमसे ये पूछी जाती है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र है क्या, इसकी आपको क्या करनी है, परिभाषा आपको बहुत जरूरी है। परिभाषा आपको क्या है आनी चाहिए, क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है, इसकी मीनिंग पता नहीं है, तो आप क्या पता होगा। आपको मेन चीज ये होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उसकी विशेषता, आप परिभाषा भी याद करेंगे, विशेषता क्या है, ठीक है, और उसके क्षेत्र के बारे में, किस क्षेत्र में ज्यादा फेमस है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद में जो एक ई कॉमर्स का आपका पेपर है, बिजनेस ई कॉमर्स, ठीक है, तो ई कॉमर्स एक पेपर है, ई कॉमर्स का, बीकॉम सेकंड ईयर वालों, सेकंड सेमेस्टर वालों का। तो उसमें क्या है बेटा, उसमें आपको बिजनेस कैसा करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए, वो सब कुछ आपको वहां मेंशन करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है। अब यहाँ कह रहा है एक क्वेश्चन, देखो बहुत महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट पे लगा लेना बेटा इसको, मोस्ट पे। यहाँ बोला गया है कौटिल्य के आर्थिक विचार और अर्थशास्त्र की परिभाषा पर प्रकाश डालिए। कौटिल्य के आर्थिक विचार, अर्थशास्त्र की परिभाषा पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में है गांधीवादी अर्थशास्त्र पर अपनी टिप्पणी, मतलब एक गांधीवादी जो अर्थशास्त्र है, गांधीवादी इकोनॉमिक्स है, उस पर आपको प्रकाश डालना है, उस पर परिभाषा आपको देख लेनी है। वहीं आपसे क्वेश्चन है कि मांग का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं। तो ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको शॉर्ट में क्वेश्चन बन जाता है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को भी पढ़ के जाएंगे। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कीमत तंत्र और यंत्र की अर्थ क्या होता है। कीमत तंत्र क्या है, कीमत तंत्र को देखिए, यंत्र का अर्थ क्या है वो आप देखेंगे। और यहाँ बोला गया है हास नियम और मांग की लोच, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हास के नियम बहुत ज्यादा पूछा जाता है और वहीं आपसे मांग की लोच के नियम भी आपसे पूछे जाते हैं। मांग का क्या होता है वो आपसे बनता है, वहां आपको याद करना होगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर हमारी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए पेपर हैकर डॉट इन वेबसाइट पर जाना होगा और डाउनलोड कर लेना है। यह है सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र क्यों परिभाषित कीजिए, बोला गया है सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र की परिभाषा आपको बतानी है। वहीं आपको गया है विभिन्न लागत अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए, मतलब कि बहुत सारी, ये क्वेश्चन आपने लगा दिया, ये क्वेश्चन परिभाषा आपको पता चल गई, याद कर लेना। यहाँ विभिन्न लागत अवधारणाएं, देखो कॉन्सेप्ट अवधारणाएं कुछ होती है, कौन कौन सी, जैसे कि वास्तविक लागत हो गया, ठीक है,
उसके बाद डूबी लागात हो गया, ठीक है, उसके बाद में क्या अवसर लागात हो गया, और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लागात हो गए। ये लागतों के बारे में आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें थोड़ा और आपको क्या देखना है, यहां देखिए, यहां बोला गया है उत्पादन प्रकार, यहां देखो फलन, यहां आपको फलन देखना है, प्रकार को भी देख सकते हैं, ठीक है, द प्रोडक्शन जो फंक्शन होता है उसको आप याद कर सकते हैं, या फिर उत्पाद जो प्रोडक्शन हुआ है उसका फंक्शन, कार किस तरीके से, फंक्शन को कार फलन भी कह सकते हैं, ये प्रक्रम भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको आप याद कर लें। शॉर्ट में आपको देखें प्रतिफल के नियम और पैमाने के प्रतिफल में अंतर क्या होता है, मतलब कि प्रतिफल का जो नियम है उसके बारे में बताना है, साथ ही साथ पैमाने के प्रतिफल में अंतर आपको बता देना है। एक है उत्पत्ति के नियम, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्पत्ति का नियम और लागू होने का कारण क्या होता है, हम उत्पत्ति को क्यों लागू करते हैं, इसी को दूसरे नाम से बोला जाता है उत्पत्ति हास नियम। जी हाँ, उत्पत्ति हास नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में फंसता है, 2022 में पक्का फंसने है, छप रहा है पेपर में। उसके बाद में है बाजार का अर्थ और परिभाषा, आपने बाजार तो जाते होंगे, मार्केट जाते हैं उसकी परिभाषा क्या है वो बता दो, बाजार में कौन कौन से तत्व है, बाजार को कितनी भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, वो आपको यहाँ याद कर लेना है। तो मीनिंग्स एंड कह सकता है डिफिनेशन एंड मार्केट, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में बोला गया है पूर्ण प्रतियोगिता क्या है और अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, प्रतियोगिता कहते हैं ना किसी में हम कुछ भाग ले रहे हैं, कोई प्रतियोगिता होने वाली है भैया, अभी दौड़ होने वाली है, कोई प्रतियोगिता, प्रतियोगिता का मतलब होता है कोई कार्यक्रम होने वाला है। एक है पूर्ण जो हो चुका, हो रहा है, होगा पूरा लास्ट में तक, अपूर्ण पता नहीं होगा या नहीं होगा, रहा है प्रेजेंट हो तो रहा है, अपूर्ण का मतलब हो रहा है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, पूर्ण का मतलब खत्म हो गया, वो चीज है। पूर्ण और अपूर्ण दोनों में आपको देखना है। यहां बोला गया है इसको छोड़ दिएगा, देखो ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना, नगद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी, मजदूरी में अंतर, मजदूरी देखो एक नगद होती है जिसमें हमें पैसे नगद मिल जाते हैं, एक होती है वास्तविक मजदूरी, वो आप देखना है, एक है वास्तविक मतलब कि जो आपको करनी करनी है, यहाँ है मजदूरी का भुगतान करने की विभिन्न ढंगों की विवेचना करिए, आप मजदूरों को किस तरीके से भुगतान करते हैं, मंथली करते हैं, डे वाइज देते हैं, घंटे के हिसाब से देते हैं, उनकी आपको विवेचना करानी है, बहुत भिन्न विभिन्न ढंगों से, कौन कौन से ढंगों से आप करते हैं वो चीज आपको याद रखनी है। यहाँ कह रहा है मजदूरी के मांग और पूर्ति सिद्धांत को समझाकर लिखिए, यहाँ कह रहा है मजदूरी की मांग क्या है और यहाँ बोला गया पूर्ति सिद्धांत को समझाइए, पूर्ति सिद्धांत को भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत की परिभाषा, अब देखो यहाँ कह रहा है लागत की परिभाषा और कुल लागत क्या है, ठीक है, ठेका लगान क्या होता है, ठीक है, आर्थिक लगान क्या होता है, इन इन लगानों के बारे में आपको देखना है, ठीक है। और यहां बोला है रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत की विवेचना, एक था रिकार्डो, यहां रिकार्डो था, एक रिकार्डो नाम का व्यक्ति था, उसकी लगान सिद्धांतों की, मतलब लगान, उसने एक लगान सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को आपको देखना है, ठीक है, एक लगान सिद्धांत दिया था वो आपको देखना है। उसके बाद में आधुनिक लगान सिद्धांत को स्पष्ट करिए, ठीक है, एक है आधुनिक लगान सिद्धांत है, अब उसको स्पष्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार के बारे में, मैंने बता दिया बाजार की परिभाषा बता दी, छोड़ दीजिए इसको। यहाँ बोला गया है किन्स के ब्याज सिद्धांत की, देखो एक किन्स ने ब्याज सिद्धांत दिया था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके लाभ का अर्थ बता देना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, लाभ लाभ का लगान सिद्धांत, शीर्षक पर लघु टिप्पणी लिखिए, इसके शीर्षक पर आपको लघु टिप्पणी लिखनी है, मतलब लघु का मतलब है शॉर्ट टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट लघु का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है, वो भी लाभ, यहाँ कह रहा है लाभ का लगान सिद्धांत पर क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे बोला गया एक क्वेश्चन, यहाँ कहा गया मांग, मांग क्या कह रहा है, अनुसूची, देखो मांग अनुसूची अथवा इसको हम तालिका से भी कह सकते हैं, से आप क्या समझते हैं इसकी परिभाषा, सीमांत उत्पादकता क्या होती है, सीमांत उत्पादकता, उत्पादन फलन क्या होता है, बहा बचत क्या होती है, बहा बचते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद में है महिला श्रमिकों की मजदूरी कम होने का कारण क्या है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मतलब जो औरतें होती हैं उनकी मजदूरी क्यों कम होती है पुरुषों से ज्यादा, पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है, लाभ की, और कह रहा है लाभ की अनिश्चितता का
वहन करने का सिद्धांत क्या है वो आप देख लेना। महिला श्रमिकों की मजदूरी कम होने का कारण क्या है, महिलाएं क्यों कम, उन्हें महिलाओं को क्यों पैसे कम मिलते हैं यदि फिर भी वो काम अधिक करती है, ऐसा क्यों, तो वो चीज आपको यहाँ देखनी है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना, बाकी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बस यही आपको पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है, बाकी ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए है और ऑल यूपी बिहार एमपी राजस्थान उत्तराखंड सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि सबका सिलेबस एक जैसा है, बस कुछ नहीं है फर्क। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।